मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम सैम फर्स्ट के ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सेकंड चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दीज आर द शॉर्ट 10-15 मिनट्स वीडियोस इन विच वी कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्लीट चैप्टर, एंड पैरेलली वी विल डिस्कस व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच कम इन द एग्जाम फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव। बिकॉज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है आपके थ्री क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली टू क्वेश्चंस, एंड दोस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ 10-10 मार्क्स। सो दैट आर वेरी यू कैन से बहुत आप इसमें इजिली स्कोर कर सकते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट के यू शुड बी अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद अवर सेकेंड चैप्टर। तो इसमें अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला टॉपिक जो है दैट इज इंडिविजुअल बिहेवियर एंड इट्स फैक्टर्स। सो इंडिविजुअल बिहेवियर इज बेसिकली द रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन विच इट कैन बी एन इंडिविजुअल और एन एम्प्लॉयर एनीवन, ठीक है। और अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इसमें जो आपके की फैक्टर्स आते हैं वो आपका आपके पर्सनल फैक्टर्स हो गए, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, और इट्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, राइट। पर्सनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो विच आर इनहेरिटेड फ्रॉम योर इन योर फैमिली, फ्रॉम योर पेरेंट्स और समथिंग। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स आ गए। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आपके लाइक एम्प्लॉयमेंट हो गया, आपका वेजेस हो गए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, या फिर आपके एनवायरमेंटल में आपके सोशल कल्चरल फैक्टर्स हो गए जो आपकी सोसाइटी से आप इन्फ्लुएंस होते हैं। लास्टली द पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए जो कि आपका जो कंट्री की ओवरऑल पॉलिटिकल कंडीशंस है उसके थ्रू आपका इम्पैक्ट रहता है। देन नेक्स्ट कम्स एज द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज सिंपली जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल एनवायरमेंट है उसका जो इम्पैक्ट है दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, राइट। देन नेक्स्ट कम्स एज द बायोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स। सो बायोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें सो इट्स समथिंग जो आपका इनहेरिटेड पार्ट है, लाइक इट्स अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, एज, जेंडर, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंस और एबिलिटी, राइट। जो एक एक ह्यूमन बींग की एक जो की फीचर्स या की एट्रीब्यूट्स है दोस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बायोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स, राइट। Then next comes with the ability. So ability is basically when you are doing or performing some job or you can just handle a situation. So that forms the part of the ability. So ability आपकी two types की है. One is the intellectual ability and second is the physical ability. Intellectual means which is related to the mind and the second one is physical which is related to your physical body capabilities, right? Again they are having the certain subcategories of this that's not required much. राइट। द नेक्स्ट कम्स एज द पार्ट ऑफ द वैल्यूज, राइट। सो वैल्यूज जो है वो बेसिकली आपकी टू टाइप की वैल्यूज होती है, राइट। वन इज द टर्मिनल वैल्यूज एंड सेकेंड वन इज द इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, राइट। सो टर्मिनल वैल्यूज जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, सो टर्मिनल वैल्यूज इट सिंपली द एंड स्टेट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एफर्ट्स, राइट। इट्स बेसिकली द एंड रिजल्ट या वी कैन से द एंड गोल, राइट। एंड इंस्ट्रूमेंटल जो वैल्यूज है इट मीन्स द सर्टेन इंटरमीडिएट वैल्यूज विच फॉर्म्स और विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू अचीव द टर्मिनल वैल्यूज, राइट। तो आपकी दो टाइप की वैल्यूज है, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द एट्रीब्यूट्स। सो एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें सो एट्रीब्यूट्स इज सिंपली जब भी कोई पर्सन व्हेन इट स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू अ सिचुएशन, राइट। लाइक सपोज आपने आपके सामने कोई एकदम से कार आ गई, यू आर स्पीडी कार, तो आप क्या करेंगे, आप एकदम से साइड में हो जाएंगे। या आपको कोई कुत्ता दिख गया, यू आर हैविंग अ फियर ऑफ दैट डॉग, देन यू जस्ट ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दैट डॉग। सो दीज आर द सर्टेन एट्रीब्यूट्स, राइट। और द इवेंट्स जो इवेंट्स पे आपका हाउ यू एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स, राइट। तो अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें सो देयर इज कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट एंड द बिहेवियरल कंपोनेंट। एंड जो जॉब एट्रीब्यूट है इट्स अबाउट द जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब इन्वॉल्वमेंट और द ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द जॉब सेटिस्फेक्शन। सो जॉब सेटिस्फेक्शन इज सिंपली कि हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद द जॉब। इट्स सिंपली दैट यू आर फुली सेटिस्फाइड और यू आर पार्शली सेटिस्फाइड और यू आर डिससेटिस्फाइड, फुली डिससेटिस्फाइड और द पार्शली डिससेटिस्फाइड, राइट। Then next part comes as the generation type. So this is important from MCQ type. Descriptive questions ke according, I think this is not an important one. But yes, you should be aware ke jo aapki different generations hain, wo kya signify karti hai, right? Jise builders ho gaye. So builders are those jo 1945 se pehle those who were born, jinhone World War II dekha hai. Then next comes as the baby boomers.
जो कि 1946 से 1964 के बीच में हुए, जिन्होंने वर्ल्ड वार सेकेंड देखा। जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ एंड उसके बाद उन्होंने अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करी। देन नेक्स्ट इज द एक्स जनरेशन, एक्स जनरेशन इज 1965 टू 1980, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इज द वाई जनरेशन, सो वाई जनरेशन इज 81 टू 2000। देन लास्ट इज द अजी जनरेशन, सो दैट इज द पोस्ट 2000। सो यू शुड बी अवेयर के कौन से ईयर्स के अंदर कौन कौन सी जनरेशन आई थी, राइट। सो दिस इज मोर लेस अबाउट द सेकेंड चैप्टर, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी इशू, जस्ट फील फ्री टू कनेक्ट टू मी एट ngsc.mba@gmail.com। इफ यू लाइक दिस वीडियो, टू लाइक, टू सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोज। थैंक यू सो मच।